बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कंफर्म करना चाहती हूं कि दानियाल अजीज जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं NA-75 से इंडिपेंडेंट, उनको अरेस्ट कर लिया गया है 12:30 बजे मोर सुलेरिया से, जो कि शकरगढ़ में है। वो वहां पर पोलिंग स्टेशन का जायजा ले रहे थे और 4-5 सहाफी उनके साथ थे। मोर सुलेरिया पे पुलिस का नाका था, वहां पर उनको रोका गया। ये 4-5 सहाफी फुटेज बना रहे थे और उनको जूदोकोप किया गया, उनको धक्के मारे गए, उनको जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया और उन्होंने कहा कि मेरा हाथ दर्द करता है, आप मुझसे इस तरह खींचातानी मत करें। मगर उनको मजीद धक्के मारे गए और पुलिस ने बताए बगैर कि वो किस वजह से उनको अरेस्ट कर रही है, उनको ले जाया गया। और जो ये सहाफी थे उनके पुलिस वाले उतर के वापस आए, उन्होंने उनको मारा। उनको उन्होंने कहा जी हमें सड़क पे लिटा के जितना वो मार सकते थे उतना मारा और हमारे मोबाइल फोन्स ले लिए गए। और इसमें एहसन इकबाल का हाथ है, अहमद इकबाल का हाथ है और ये शुरू दिन से दानियाल के पीछे लगे हैं, जब से ये कैंपेन शुरू हुई है। क्योंकि दानियाल साहब अपने हलके से जीत रहे हैं तो ये उनको हजम नहीं हो रही है बात। और अगर दानियाल साहब को 5 मिनट के अंदर अंदर ये छोड़ा ना गया तो ये इलेक्शन NA-75 का कलादम करार होना चाहिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द इंटरनेशनल कम्युनिटीज, माई आर्मी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू स्टॉप दिस डिटेंशन ऑफ दानियाल, इलीगल डिटेंशन ऑफ दानियाल इमीडिएटली। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन दैट आर बींग सेट दैट दीज इलेक्शन आर। एंड दानियाल डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग एंड ही हैज बीन डिटेन्ड। एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द इंटायर पाकिस्तान टू इट that these elections will be illegal और इनको कलादम करार देना होगा अगर दानियाल साहब को ना छोड़ा गया।